भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती का बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को बेहतर करने के लिए 46,451 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। तृतीय चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल के पद पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। इसके अलावा 1,214 पद को प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कैबिनेट ने अलग अलग क्षेत्रों में दी जा रही सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ की राशि को स्वीकृत कर लिया है। इसके अलावा हाइड्रोलिक गाड़ियों की खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। सड़क हादसे में घायल होने वाले गौवंश को इन हाइड्रोलिक गाड़ियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है।